गाइस वेलकम बैक द माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी आए हो, सब अच्छे होंगे। तो गाइस मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है फिर से। तो गाइस आज हम 4 दिन बाद गांव आए हैं वापस। तो गाइस मैंने सोचा चलो आपको मैं दिखाता हूँ मेरा घर वापस से, क्योंकि आपने अच्छे से नहीं देखा होगा और अभी मौसम भी एकदम सुहाना हो रहा है भाई। तो आपके लिए दिखाता हूँ मैं यार, फ्रंट कैमरे में कैप्चर नहीं हो पाता भाई, क्या करें, प्रॉब्लम है। तो कोई नहीं, आपको ऐसे तो दिख रहा होगा कि धूप अभी निकलने की, वैसे भी शाम का टाइम हो चुका है, 6 के समथिंग बज चुके हैं गाइस, है ना। बालों का ख्याल रखना पड़ता है तब जाके अच्छे रहते हैं ना। तो नहीं गाइस, कैसे इधर देख सकते हो हमारी भैंस बंधी हुई है, मतलब छोटी छोटी पहाड़ियाँ है, 3-3 साल की है, 3 से 4 साल के बीच में, और उधर भैंस बंधी हुई है अंदर जो कि दूध देती है अभी। तो अभी मैंने उनों के लिए कुट्टी की थी इस मशीन से, भैया पसीना आ गया था, हवा चल रही थी तब भी। और आप देख सकते हो इधर को जामफल का पेड़ है, देख सकते हो आप, ये नीम का पेड़ है, एक बड़ा सा देख सकते हो आप, कुछ इस प्रकार का मेरे घर पे सीन है, मतलब कुछ अच्छा सा, मतलब हरा भरा टाइप का। उधर भी देख सकते हो आप, हरा भरा है बिल्कुल ही, क्योंकि नेचर का ध्यान रखना पड़ता है मेरे भाई, क्योंकि प्रदूषण तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा हो रखा है, इसलिए पेड़ पौधे लगाने ज़रूरी है। अभी वो लेके आऊँगा मैं, मतलब पापा को लेके जाऊँगा ना साथ में, तो वो लाएंगे, क्योंकि बरसात का सीज़न आने वाला है ना गाइस। तो बरसात में मतलब पौधे ग्रोथ अच्छे करते हैं बरसात के पानी से, तो अभी लाएंगे जाएंगे, अगर इधर श्योपुर या फिर कोटा की साइड जाएंगे तब लाना होगा ना गाइस। तो इधर क्योंकि इधर मिलते नहीं है ना आसपास अच्छी किस्म के, तो इसलिए बाहर से लाने पड़ेंगे। तो गाइस आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, अगर